हमारी खुशनसीबी कि आज हमारे साथ समीर राजदा जी हैं। और मेरी भी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ वेद जी भी हैं। हमें नहीं पता कि देखिए भाई इनसे क्या पूछना है, बट बातों बातों में जो भी होगा हम पूछते चलेंगे। पूरा आज का प्रोग्राम समीर जी ही संभालने वाले हैं। तो समीर जी देखिए, बहुत टाइम से आपको देखते आ रहे हैं, क्राइम पेट्रोल में आप एक ऐसा चेहरा है, लोगों के जहन में छपा ही है, बहुत लोग आपका नाम नहीं जानते होंगे, कितने लोग बाई फेस जानते हैं। Right. तो जो अभी ये नाम फ्लैश हो रहा है ये इनका प्रॉपर एक्चुअल नाम है, इसी नाम से ये फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे हर जगह है। जी। बताइए समीर जी, कैसे ये कैसे शुरुआत हो गई, कैसे आ गए आप क्राइम पेट्रोल में? क्राइम पेट्रोल में तो सबसे पहले जब मैं क्राइम पेट्रोल जब शुरू में क्राइम पेट्रोल हो रही थी तो मुझे भी ऐसा लगा जैसे हम अभी ऑडिशन का बहुत जमाना है ना, ऑडिशन बगैर तो काम मिलता ही नहीं। तो शुरू में मैं क्राइम पेट्रोल की ऑडिशन देने गया था तो मुझे ऐसा बोला गया था कि सर आपका जो चेहरा है वो ज़्यादा पॉपुलर है, और क्राइम पेट्रोल में उन दिनों ऐसी स्टोरी होती थी जो ज़्यादा इस पे बेस होती थी कि रियलिटी उनको ज़्यादा पसंद थी। तो उनको ऐसा चाहिए था कि कोई भी सेलिब्रिटी या वेल नोन चेहरा तभी वो लोग नहीं लेते थे। फिर दूसरी बार उन्होंने ऐसा बुला लिया कि सर एक बार एक आके ऑडिशन तो दे दो। हाँ। तो मैं बोला चलो क्यों ना ऑडिशन दे दे। तो फिर क्राइम पेट्रोल को बहुत सारे मतलब साल भर के बाद मुझे वहाँ से कॉल आया कि सर क्राइम पेट्रोल में है तो करोगे? बोला डेफिनेटली। तभी मेरे मन में ये ख्याल आया कि तभी तो मुझे मना किया था और अभी सडनली उन लोग ने क्यों बुलाया। ये कौन सा साल था ये? अभी एग्जैक्ट साल तो याद नहीं, क्राइम पेट्रोल कब शुरू हुआ था, जब वो शुरू में तब मुझे ऐसा बोला गया। फिर मुझे हाँ 2005-06 के आसपास की बात। पाँच यस। और उसके पहले मतलब कैसे पॉपुलर हुआ था चेहरा? चेहरा मेरा पॉपुलर इसलिए हुआ कि मैं रामायण में मैंने शत्रुघ्न का रोल किया था, तो रामायण से मेरा चेहरा पॉपुलर हुआ, लोग मुझे रामायण से जानने लगे थे और जानते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा चेहरा जो पॉपुलरिटी वाला जो चेहरा है गलती से, तो वो क्राइम पेट्रोल वाले ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मैं तो बोला अच्छा ही किए थे हम जब आपको शत्रुघ्न में देख लिए थे, इतना अच्छा पूरा इमेज बना हुआ था। अब प्रभु श्री राम को भी हम कहीं थोड़ी देखेंगे कि वो क्राइम कर रहे हैं, क्राइम पेट्रोल में आके क्राइम कर रहे हैं। हाँ, इनफैक्ट उनको पुलिस में भी हम नहीं देखना चाहेंगे, जो आपने कर दिया है बस वही बस है। वही बहुत अच्छी बात है कि आप रामायण के भी इतने बड़े पात्र हैं। जी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्राइम पेट्रोल में मैं थोड़ा सा रिजेक्ट हो गया था, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं अभी हम लोग सब जो भी है सेलिब्रिटी है वेल नोन फेसेस है उनको भी हम लोग लेते हैं, तो इसलिए फिर अभी मैं कंटिन्यूस क्राइम पेट्रोल करते रहते। फिर वो 2006 के बाद तो शुरू हो गया था, जो शुरू हुआ वो अभी तक चल ही रहा है, अभी तक चल रहा है। यस यस, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मेरा ये रामायण का जब एक्चुअल शूटिंग होता था और एपिसोड आते थे तो मैं भी देख नहीं पाता था क्योंकि हम लोग शूटिंग में ज़्यादातर शूटिंग में ही रहते थे। फिर अभी लॉकडाउन में मैंने मतलब ऐसे आराम से डिटेल में देखा, सुकून से देखा, तब पता चला यार ये भी है, ये भी है, और बहुत कुछ फिर से सीखने को मिला। तो टोटल कितना टाइम हो गया इंडस्ट्री में? टोटल मैं तो ये बता सकता हूँ कि मैं 3 साल का था तब से इस लाइन में हूँ। मतलब आप चाइल्ड आर्टिस्ट हैं? चाइल्ड आर्टिस्ट हूँ, अभी भी हूँ। और कहाँ से शुरुआत की? मैं एक्चुअली 3 साल का था तब से मैं ये काम करता हूँ, और मेरी सबसे पहला मेरा जो एक्टिंग का वो चला था तो मैं स्टेज किया था 3 साल में। कहाँ पे? गुजराती प्ले किया था। और आप गुजरात से ही हैं? नो एक्चुअली मैं हाँ वैसे गुजरात सौराष्ट्र से मैं बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं हूँ मैं भाटिया हूँ बाई लैंग्वेज। तो वो भाटिया बाई लैंग्वेज मतलब भाटिया तो पंजाबी होते हैं? पंजाबी नहीं होता वो, इसमें हमारी लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं कि मान लीजिए अगर मैं पूछूँ कि आपका नाम क्या है तो मैं उसमें मेरी लैंग्वेज में ये पूछूंगा तुझो नाम कोई है, तुझो नाम कोई है, तुझो नाम कोई है, जैसे वो कच्ची लैंग्वेज होती है ना थोड़ी बहुत कच्चा। तो उस हिसाब से है। अच्छा। मेरा प्ले आया था आंधी करके और उसके पैसे फिल्म बनी थी 36 घंटे, जो 36 घंटे फिल्म थी पुरानी वाली, वो स्टोरी सेम थी उसकी। 3 साल का था तब से एक्टिंग कर रहा हूँ। तो कौन आपको लेके जाता था? मेरे डैडी जो रामायण में उन्होंने जनक का रोल किया है। डैडी भी इसी फील्ड से थे वो राइटर थे, मतलब बहुत सारी उन्होंने कम से कम 250 जितनी गुजराती फिल्म्स बनाई है उन्होंने, लिखी है एक्चुअली और डायरेक्ट भी की है, और मेरी मम्मी भी इसी लाइन में थी,
उन्होंने भी बहुत सारी गुजराती फिल्म्स की थी, कुछ 300 गुजराती फिल्म्स की है। ये इंटरव्यू शुरुआत तो बड़े हल्के हल्के में लिया था हमने, अब तो बधाई बनता हूँ अब तो पता चल रहा है मम्मी पापा सब लोग सब एक्टिंग में थे और आप तो, अभी तक चाइल्ड आर्टिस्ट बने हुए हैं। अभी तक चाइल्ड आर्टिस्ट, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ चाइल्ड आर्टिस्ट, मतलब हर दिन एक्टर्स ऐसे होते हैं दे आर नेवर सेटिस्फाइड, क्योंकि ऐसा लगता है नहीं ये तो रोल किया, हमको और कुछ अच्छा करना है, और कुछ अच्छा करना है, और सीखने को भी बहुत मिलता है एवरी डे। मतलब ये कैसे एक्टिंग कर रही है, ये सीन में इसने क्या किया, वो डायरेक्टर से भी पता चलता है कि ये डायरेक्टर का एक पंडा क्या है, कि वो कैसे सीन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए 5 डायरेक्टर है और 5ों को सेम सीन दिया जाए और बाद में उसका जो सीन है कि ये सीन इसने अलग अलग जगह पर शूट कर और वही सीन इकट्ठा करके आप देखो तो 5ों की क्रिएटिविटी आपको अलग अलग दिखेगी। क्योंकि मैंने गुजराती फिल्म्स भी बहुत की, गुजराती प्लेस भी बहुत की है। और अभी भी चल रहा था, अभी ये लॉकडाउन से पहले भी एक महीना पहले मैं वहाँ पे था, कनाडा था। एवरी ईयर यूएसए, कनाडा, हांगकांग, मस्कत, दुबई, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, लंदन, सब घुमा गुजराती प्ले, गुजराती प्ले के चक्कर में, चक्कर में नहीं गुजराती, गुजराती प्ले के लिए, गुजराती प्ले के लिए। इतना है कि मुझे इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। और लेकिन एक बात है कि मेरे डैडी ने कभी मेरे लिए, उन्होंने ये नहीं बोला कि यार समीर को अप्रोच किया हो, समीर को ऐसा नहीं बोला। लिखते थे कि ये कहानी, ये जितने कैरेक्टर्स उनको पता, लेकिन कभी भी प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को तभी नहीं बोलते थे कि समीर को लो, अगर उनको पसंद आया तो ठीक है, नहीं है तो दूसरे किसी को। ऐसा वो किसी को फोर्स नहीं करते कि मेरे बेटे को लो इस रोल में, ऐसा कुछ नहीं था। वो हमेशा मुझे बोलते थे तू अपनी बदौलत पे ही करना। सागर साहब और रामानंद सागर को ग्रुप को मैं पहले से जानता था, क्योंकि विक्रम बेताल उन्हीं की थी। तो मैं, डैडी ने एक बार मुझे बोल दिया कि यार तू फोन नहीं लगे, तभी तो लैंडलाइन थी, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था, तो मुझे बोला एक काम कर, तू नटरा स्टूडियो जो अंधेरी में है वहाँ जाके मेरी डेट्स लेके आ रामायण। तो मैं वहाँ चले गया, तो मैंने अभी बताया ना कि विजय काविश वहाँ पे चीफ असिस्टेंट, तो मैं उससे मिला, बोला विजय यार वो डैडी की डेट्स की है, हाँ रुक रुक मैं देता हूँ करके, वो थोड़े काम में बिजी हो गए। फिर वो घूम फिर के आया, मुझे बोले यार एक मिनट तू जाना नहीं, यार एक मिनट तू जाना नहीं, मैं उसको पता नहीं क्या दिमाग में कैरेक्टर दिमाग में घुसा होगा, वो गुस्सा आ रहा था, वो जाना नहीं, तो मैं आता हूँ करके। वो चले गए सागर साहब के ऑफिस में, चले गए कैबिन में, चले गए कुछ 10 मिनट वापस आए, तू चल तेरे को बुला रहे हमने, बोला तो चल तो सही। तो फिर वो लोग पंजाबी में शुरू हो गए, ये शत्रुघ्न में फिट बैठता है मेरे हिसाब से, वो विजय ने बोला। तो पापा जी वो लिखते थे, हाँ यार ये तो है बैठता था। तो एक काम करता था, मैं ऐसे ही बड़ी बड़ी थिक मूछे रखता था तभी उनका, हाँ। तो मुझे बोला एक काम कर दो ना, मूछे मुंडवा के। मैंने बोला ठीक है, कल आया, कल मूछे मुंडवा के। तो मैं वापस बाहर आया और घर पे आके मैंने डैडी को बोला, डैडी यार ऐसे ऐसा बात हुई पापा जी से। तो बोलते हाँ जा ना मिलने, उसमें क्या हो गया, मुझे मुझे फर्स्ट टाइम मुझे बुनवाई और बड़ी शर्म आ रही थी, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे चल रहा बिल्कुल क्लीन शो चाहिए ना उसमें। तो मैं गया वापस दूसरे दिन, तो विजय भी हंसने लगा मुझे देख के, कैसा लग रहा है तो मुझे भी बोला यार हंसमत यार मुझ गई है। मैं बोला चल जा तू एक काम कर, तू ऑफिस में जा, बैठे हैं और राह देख रहे, तू जा मैं आराम कर। तो मैं अंदर चले गया, तो पापा जी बैठे हैं और टेबल पे चश्मे वश्मे चढ़ाए, ऐसा लिख रहे वैसे, मैं ऐसा देखा, हाँ बोलिए। तो मैंने बोला सर वो मैं आया हूँ और वो शत्रुघ्न के रोल के लिए आया हूँ। तो उन्होंने बराबर देखा भी नहीं मुझे, तो बोला अरे नहीं वो हम लोग ने वो शत्रुघ्न को किसी और को, हम लोग ने हो गया हमारे शत्रुघ्न की फिक्स हो गए, आप जाइए आप जाइए। बोला अरे बाप रे, ओके सर, ऐसा करिए। मैं निकल गया, ज़्यादा बात भी नहीं की, मैं निकल गया। तो विजय बोला क्या हुआ, सर तो ऐसे बोल रहे हैं पापा जी। बोले नहीं शत्रुघ्न तो उन्होंने डिसाइड कर लिया, फिक्स हो गया उनके सामने। तो वो बोले ऐसा कैसे है यार, तेरा नाम लिखा है सामने शत्रुघ्न समीर आसरा, फिर तू चले हमारे साथ वापस आए। तो बोले पापा जी, बोले कि ये समीर है पापा जी, ये आपने नहीं पहचाना। तो ऐसे चश्मा निकाल के, अरे यार तूने यार मूंछे मुंडवा दी, तो कितना छोटा लगता है यार, इतनी बड़ी बड़ी मूंछे रखता क्यों है तू, मुझे बोलने लगे। बोले तू ही तो मेरा शत्रुघ्न है, हाँ मुझे ऐसा लगा हूँ तो मैं ही। फिर मुझे बाहर आके ऐसा एक बार ऐसा फील हुआ कि साली मूछे भी गई और रोल भी गया, रोल भी गया भाई। तो बस गाइस इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया हो, देख लिया तो प्यार दिखा दीजिए लाइक करके, बस बहुत सारे ढेर सारी लाइक्स होनी चाहिए।